हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद धीमन। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि ये जो टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों वाला टाइम चल रहा है आप लोगों का, हम सभी का ही चल रहा है। कोरोना के टाइम में कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ बच्चों के घर की परिस्थिति जो है वो इस प्रकार से बनी हुई है, परिवार के कुछ लोग जो है वो जिनकी तबीयत खराब भी है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि परिवार में कोई भी सदस्य तबीयत खराब होती है तो सभी डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिर भी हमें अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, और इसी का नाम लाइफ होता है। ये सभी जानते हैं, जो इतनी आसानी से कुछ भी प्राप्त हो जाए वो चीज़ संभव नहीं है इस टाइम। तो कठिनाइयों से जूझना तो हम सभी का काम है, और जिन कठिनाइयों को पार करके निकल जाता है इंसान, वही सक्सेस होता है, वही एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाता है। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन बुरे टाइम, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कहना एक अलग बात होती है कि कोरोना जो है वो इतनी छोटी बीमारी है या इतनी बड़ी बीमारी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, या हम तो केवल घर में ही पैक हो जाएंगे, हम किसी से मिलेंगे ही नहीं, जिससे कि हमें ये बीमारी जो है वो लगेगी ही नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, कई लोग घर के अंदर पैक हैं, फिर भी उनको ये कोरोना जो है वो हुआ है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए भी, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी, और पढ़ाई कैसे रेगुलर हो, क्योंकि पढ़ाई जो है वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है इस वक्त। पढ़ाई से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। ये जो स्थितियां हैं ये तो बदल जाएंगी। तो ये पता है सभी को कि थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो हमारे माइंड में आता है, हम इंसान ही हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव साथ में लेकर चलते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं इस वक्त हमारे सामने आसपास दिखाई दे रही हैं, तो सभी प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव ही रखेंगे। ये तो स्थिति होती है, माइंड के ऊपर होता है, चीज़ें जैसे दिखाई देती हैं वैसे इंसान बन जाता है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ हो, हम लोगों को उसको देखते हुए पॉजिटिव वे में जाना है, जिससे कि हम ये जो परिस्थितियां हैं इनको छोड़कर पढ़ाई जो है उस पर ध्यान दे सकें। अभी देखिए, ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो बंद हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं चल रही हैं, सभी बच्चे घर पर हैं। घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई जो है उसका भरपूर फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ और भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और कोई कार्य करने के लिए कोरोना ने हम किसी को भी नहीं छोड़ा है। ये आप सभी जानते हैं कि घर पर रह के हम केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोग सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने चाणक्य के बारे में भी पढ़ा होगा। चाणक्य जो है वो क्या कहते हैं, चाणक्य यही तो कहते हैं कि ये जो बुरा वक्त है ये तो चला जाता है। बुरा वक्त जो भी चल रहा है, आप इस बुरे वक्त से कैसे निपटोगे, इससे लड़ने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करोगे, तो यही चाणक्य नीति बताती है। तो अपने जो मुकाम है, जो आपने तय कर रखा है, तो उसको आप अपने माइंड में रखिए। आपको पता है कि चाणक्य जो थे वो कौन, उनको अर्थशास्त्र राजनीति इनका तो ज्ञान था, उसके साथ साथ दार्शनिक बहुत अच्छे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उन्होंने देश को, मगध था उसे, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में एक नया मुकाम पर, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में क्या देखा था, बस उनका हौसला देखा था, उनका कार्य देखा था। तो और देखिए, हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बाद में क्या बने थे। तो जब चाणक्य की बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण बालक थे, वो मगध के राजा बने थे, तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों को, सभी को ध्यान में रखकर और अपनी चीजों को आगे बढ़ाया था। अगर आप भी उनके द्वारा कही गई बातों पर अमल करते हैं, और आपकी जिंदगी न सिर्फ आसान इजी भी हो जाएगी, बल्कि आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बातों को यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, कि जो भी बुरा वक्त चल रहा है, तो आप उससे अपने आप को कैसे बचाओगे, आप उससे लड़ने के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हो। सबसे पहले तो बात कि ये जो कोरोना का डर है, इस पर काबू पाएं।
क्योंकि डर जो है वो ऐसी चीज होती है, सबसे पहले आपका फिजिकली डैमेज करेगा, फिर मेंटली, और फिर पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगी, ये आपको कमजोर बना देगी और हमारी लाइफ जो है इस पर ही हावी हो जाएगी। तो क्या करना है, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है जो वो बुरे हालात को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। सभी को पता है स्थितियां अच्छी नहीं है, एक डरा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति ना अपने आप को बचा सकता है और ना ही हालातों को अपने काबू में कर सकता है। हालातों से लड़ने से पहले आपको डर से लड़ना होगा। जो भी ये दौर है ये गुजर जाएगा, आप टेंशन ना लें। एग्जाम जो है, कई बच्चे बोल रहे हैं अब एग्जाम जो है वो 20 जून को आगे हो जाएगा। अभी तो किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, 20 जून डिसाइड है डेट, तो 20 जून ही है। अभी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, आप, मैं या कोई नहीं कह सकता है। सोशल मीडिया से आप लोग भी टच में रहते हैं हमेशा, ठीक है? तो ऐसे समय में आपको क्या हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि खुद से नजरें मिलाते हुए, औरों का सामना करते हुए, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपना जो वर्तमान है, जो आप आज जी रहे हैं, आज आपको क्या करना है, इस पर ध्यान दें। केवल और केवल वर्तमान में जी, ये भी ना सोचें कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में एग्जाम होगा नहीं होगा, हम इतना टाइम जो है वो अभी से ही क्यों दें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आगे निकल जाएगा एग्जाम तब हम कर लेंगे। तो आप इन सब चीजों को भूल जाएंगे, और एक बार भूल गए तो और फिर आपके पास टाइम भी नहीं रहा, तो उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो जब आपका ये बुरा वक्त चल रहा होता है, तो उस समय आपका जो दुश्मन होता है, जैसे आज आपका दुश्मन क्या है, कई बच्चों का तो नींद है, नींद बहुत आती है, तो ये बहुत जल्दी हमला कर देता है, ठीक है? तो इनको हावी नहीं होने देना है। नींद तो आगे चल के बहुत आराम से ले लेना, क्योंकि जब हमारे पास जॉब होती है, जब हमारी स्थितियां अच्छी होती हैं, तो उस वक्त आप देखिएगा, आज आपको नींद आती है, उस वक्त आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर एक संतुष्टि वाली चीज जो है वो आ जाएगी कि अब तो मेरी जॉब लग गई। नींद कब आती है? अब आप पढ़ाई करते हैं, बुक लेते हैं, तब नींद आ रही है आपको, जबकि आपको अभी नींद नहीं आनी चाहिए। आप खुद से लड़े, यदि व्यक्ति खुद से ही लड़ता है तो सामने वाले सभी उसको दोस्त ही नजर आते हैं, कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, इस चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि अगर आप अभी तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए काफी बच्चे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो क्या होने वाला है उनके साथ। तो इस चीज को आप सभी लोग समझिए, सभी को ही रेगुलर पढ़ाई करनी है, चाहे कोई भी हो बच्चा। आपको पता है वैकेंसी कम है, 2-3 साल का गैप जिसमें इतने सारे बच्चे आ चुके हैं कंपटीशन में, कि अब पढ़ाई जो है वो, कुछ तो ऐसे हैं जिनको कल ही एग्जाम ले लिया जाए तब भी वो कर जाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनिए, क्योंकि वो लोग कभी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम आप लोग पढ़ाई के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है? घर के बाहर जो है वो आपको जाना अलाउ नहीं है, नहीं जाया जा सकता है। तो इन चीजों का फायदा उठाइए। नींद का ऐसा नहीं है कि नींद पूरी ना ले, नींद को आपको पूरा लेना है। अपना शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए, नॉर्मल सा, जिसमें आप अपना पढ़ाई का टाइम ज्यादा रखें, सोने का भी रखें, खाने पीने का भी रखें, हर चीज का रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? तो जो लोग एग्जाम दे के फाइट करके और टीचर बन जाते हैं, वो लोग भी इंसान ही हैं, आप लोग भी इंसान ही हो। जब वो लोग आगे निकल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं निकल सकते? आप भी निकल सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो अभी तो बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। जिसने अपना संयम खो दिया तो वो उस लाइन से हट जाएगा और आपकी जगह कोई और ले लेगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी जो भी टाइम टेबल आपका पहले का था, दोबारा से बनाए आप उसको, टाइम टेबल दोबारा बनाए, किसी भी अपने वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर उसको चिपकाएं, ठीक है? उस तरीके से टाइम को देख देख कर आप काम करें। देखिए
24 घंटे के अंदर आपका सोना, खाना, पीना, पढ़ाई सब कुछ उसमें इंक्लूड होगी, तो आप लोग परेशान भी नहीं होंगे और ये टाइम जो है वो है वो भी आपका निकल जाएगा। तो सभी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है केवल आप ही लोग हैं जिनका जो समय खराब चल रहा है, सभी का चल रहा है, ठीक है। फिर भी हमें क्या करना है, इस बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ही ढूंढना है, और वो क्या है, हमारे लिए तो केवल एक ही चीज है, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना। क्योंकि आप खुद ही देखिए, मैं भी कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि आप लोगों के पास वीडियो ना पहुंचे, 2-3 या 4 वीडियो जो है वो रेगुलर आप लोगों के पास पहुंचते हैं। तो मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है और मैं हमेशा से ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करती आई हूँ, जिसमें मेरा खाना पीना, सोना, रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, यहाँ तक कि मूवी भी देखना, सब कुछ इंक्लूड होता है। और पढ़ाई जो होती है वो सबसे अपर होती है, सबसे ऊपर होती है। तो इसी तरीके से आप भी मैनेज करिए, आप भी टाइम टेबल ऐसा बनाइए। आप लोग भी मेरे जैसे ही हैं, ठीक है, मेरी एज के ही हैं आप लोग भी, ऐसा नहीं है कोई भी छोटा होता है। तो सभी लोग अपना टाइम को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाएं, अपने आप को रेगुलर पढ़ाई के लिए तैयार करें, पॉजिटिव रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मानसिकता को अच्छा बनाएं। तो इसी तरीके से हम लोग तैयारी करते रहेंगे, रेगुलर चैनल पर बने रहें, जिससे आप लोगों को भी महसूस होगा, हाँ मैम क्या जब रेगुलर वीडियो आता है, क्या ऐसा होता है कि मैं बिना तैयारी करके और फिर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, जिसके लिए खुद भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो सोचिए कि जब मेरा इतना टाइम अब भी पढ़ाई को लेकर ही जाता है, तो आप लोगों का तो काम ही है पढ़ाई करना। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जमकर करते रहिए। कोरोना जैसी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, कोरोना जो है वो फटाफट से भाग जाएगा, आप टेंशन ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके साथ, फुल मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।